दोस्तों बीजीएमआई को जब इंडिया के अंदर बैन किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, तो बहुत सारे जो भी गेमर थे वो शिफ्ट हो गए थे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पे, फ्री फायर पे या दूसरी इसी तरीके की बैटल रॉयल गेम पे वो शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जो लोग कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पर शिफ्ट हुए थे उनके लिए हो रही है अब परेशानी, जैसे ही बीजीएमआई को अनबैन कर दिया गया। दरअसल पता नहीं क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लेकिन रोग वीवो एसुस और सोनी के फोन्स को 10 साल के लिए बैन किया जा रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के ऊपर। जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं कि उनके पास में गेमिंग फ़ोन है, मतलब जिनके पास में एयर ट्रिगर्स मौजूद हैं, जो कि डेडिकेटेड कंट्रोलर के साथ में खेल रहे हैं, उनके पास में अनफेयर एडवांटेज है जिसकी वजह से वो ज़्यादातर मैचेस को जीत रहे हैं और विनर विनर चिकन डिनर उनका हो रहा है बजाय दूसरों का, जो कि सिर्फ स्क्रीन के कंट्रोलर पर ही खेल रहे हैं। हालांकि ये कोई हैक नहीं है, हालांकि ये कोई एमुलेटर यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है वो क्लियर नहीं किया अभी भी कॉल ऑफ ड्यूटी ने, लेकिन देखो क्या पता है कोई बग हो, क्या पता मतलब कुछ लोगों के साथ ही हुआ हो जो कि एक्चुअली में हैक कर रहे हो, लेकिन अभी तक बताया नहीं गया है। जिनके पास में भी गेमिंग डिवाइस हैं, डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस हैं, उनके साथ में ऐसा हो रहा है कि भैया तुम्हारे पास अनफेयर एडवांटेज। अगर ऐसा है तो शायद बीजीएमआई के ऊपर जो एमुलेटर के साथ में खेल रहे हैं उनको भी बैन कर देना चाहिए। दोस्तों ईयरबड्स, ईयरफोन, हेडफोन वगैरह तो हम सभी यूज़ करते हैं म्यूज़िक, मूवी या फिर वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए, चाहे पीसी पे देखो, टैबलेट पे देखो या मोबाइल पे देखो, ज़्यादातर हम लोग मोबाइल पर ही देखते हैं। लेकिन अब आप शॉक होने वाले हो क्योंकि यही काम करने के चक्कर में 18 साल का यूपी के गोरखपुर का रहने वाला लड़का बहरा हो चुका है, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से ईयरबड्स यूज़ कर रहा था और बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए यूज़ करता था। मतलब ये लगा लो 8-8 घंटे दिन में वो ईयरबड्स ही लगाकर घूमता रहता था और उसी पर गाने वाने ये सब चीज़ें सुनता रहता था, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया और उसकी वजह से उसके कान से सुनने की शक्ति ही चली गई। हालांकि दिल्ली के अंदर आके उसका ट्रीटमेंट हुआ और तब जाके उसके सुनने की ताकत को रिस्टोर कर दिया गया और डॉक्टर ने एक और सलाह दी कि भैया अब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ईयरबड्स वगैरह को यूज़ मत करिए, क्योंकि जैसे हमारे पूरे शरीर को वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है उसी तरीके से हमारे ईयर कनाल को भी ज़रूरत होती है वेंटिलेशन की, और अगर उनको ना मिले तो भैया वो डैमेज हो सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ऐसी बातें हमें कई सालों से सुनने को मिल रही थी कि आने वाले वक्त में रोबोट ही इंसानों का काम किया करेंगे, लेकिन अब वो देखने को भी मिल रहा है। दरअसल पिछले महीने 4000 लोगों की जॉब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही गई है। दरअसल एक स्टडी के अंदर ही ये सारा खुलासा हुआ है कि कितने ही लाखों लोगों की जॉब गई हो सारी दुनिया में, लेकिन उनमें से 4000 ऐसे थे जिनकी जॉब सिर्फ AI ने ले ली, क्योंकि भैया AI बेस्ड मशीनरी आ चुकी है, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तो डिसीजन मेकिंग में इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, वो AI पे ही छोड़ देते हैं कि भैया तू ही ले ले डिसीजन, और बाकी जो AI बेस्ड मशीनरी होती है वही सारा काम करके दे देती है, तो एक्स्ट्रा स्टाफ हम क्यों रखें। दोस्तों नेटफ्लिक्स का वो दाव जिससे वो सोच रहा था कि वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, वो बैकलैश कर रहा है US के अंदर ही नहीं बल्कि UK के अंदर भी और बाकी दूसरी कंट्री के अंदर भी, जहाँ पर उन्होंने कह दिया भैया पासवर्ड शेयरिंग हम बंद कर रहे हैं, अगर आपको भैया पासवर्ड शेयर करना है या यूज़र ऐड करना है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आंदोलन छिड़ चुका है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया ये एंटी फैमिली है, ये मतलब बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि पहले के वक्त में होता था नेटफ्लिक्स के ऊपर अच्छा कंटेंट जिसकी वजह से हम पे कर देते थे और ऊपर से हम शेयर भी करते थे, तो वैल्यू फॉर मनी होती थी चीज़ें, लेकिन अब वैल्यू फॉर मनी नहीं है, जिसके बारे में सेलेब्रिटीज़, जर्नलिस्ट और बाकी के लोग तो बात कर ही रहे हैं, और यहाँ तक कि लोगों ने ये भी कह दिया कि भैया ओल्ड कंटेंट के लिए जो पहले अच्छा हुआ करता था उसके लिए हम पैसा क्यों दे दोबारा से तुमको, हम तो भैया कहीं और से ढूंढ लेंगे उस तरीके का कंटेंट, और वैसे भी तुम्हारा कंटेंट वैल्यू फॉर मनी तो है नहीं, एक तो तुम वैसे ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो और ऊपर से तुम्हारा कंटेंट उस लायक नहीं है, तो हम पे नहीं करने वाले हैं, हम ऐसे ही ठीक है। अब दोस्तों हमने बात करी थी कि भैया AI की वजह से लोगों की जॉब जा रही है, लेकिन टॉयलेट की वजह से भी एक बंदे की जॉब चली गई चाइना के अंदर। दरअसल उसके बॉस ने उसको ये कह के निकाल दिया कि मैंने तुझे टॉयलेट करने के लिए नहीं रखा है यहाँ पे, तुझे काम भी करना पड़ेगा लेकिन तू कर नहीं रहा है, जिसकी वजह से मैं तुझे फायर कर रहा हूं। तो ये जो बंदा है इसका नाम है मिस्टर वैंग, इसने कोर्ट में लॉ सूट मार दिया कि भैया मुझे इस तरीके से निकाल दिया, मेरी मेडिकली दिक्कत है जिसकी वजह से मुझे टॉयलेट जाना पड़ जाता है। अब ये देखो 2-5 मिनट के लिए टॉयलेट नहीं जाता था, ये घंटों के लिए टॉयलेट जाता था। इसका बॉस बताता है कि भैया 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, ये 4-6 घंटे टॉयलेट में बिता देता था, जिसकी वजह से हम इसको कहां से रखें, ये आधा टाइम तो टॉयलेट में रहता है, इसके बड़े हम किसी और एम्प्लॉय को ना रखें। दोस्तों अभी तक आपने बहुत सारे रोड कॉन्ट्रैक्टर देखे होंगे, जैसे कि खट्टा मीठा के अंदर सचिन टिचकुले देखा होगा, जिसने रोड कुछ इस तरीके के बनाए थे कि मतलब
साइड में बजरी डाल दी थी एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र के जलना के अंदर एक ऐसा रोड कॉन्ट्रैक्टर था जिसने रोड कुछ इस तरीके का बनाया जो कि लगेगा आपको सही है, लेकिन एक्चुअली में रोड नहीं है, क्योंकि एक किसी चद्दर या कारपेट के ऊपर उसने डांबर डाल के चला गया है कि भैया लोगों को लगे कि ये रोड है और नीचे की जो बजरी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होनी चाहिए एक्चुअली में, वो हुई ही नहीं है और इसने कर दिया है बहुत बड़ा घपला। तो ये एक तरीके का कालीन टाइप का रोड है, तो मिर्ज़ापुर के कालीन भैया के मज़े हैं अगर इस तरीके के कालीन बनाए, वो रोड के रोड बन जाएंगे हर जगह ऐसे ही।